बाऊजी। अरे क्या हुआ? करो, बाऊजी आए थे। अरे बाबूजी को टह बोले जमाना हो गया। जब तुम मुझे भगा के लाए थे ना, तो मुझे देखते ही टह बोल गए थे। अरे मेरे सपने में आ रखे थे। अच्छा सपने में, क्या बोल क्या रहे थे हा? अरे बोल रहे थे कि मैं फिर से तेरे घर में जन्म लेने वाला हूँ। अरे रो क्यों रही है? जन्म क्यों लेने वाले? मुझसे बदला लेने आ रहे क्या? अरे नहीं नहीं, इसलिए नहीं आ रहे। तो फिर किस लिए आ रहे? तुझे याद है करू, जब मैं तुझे भगा के लाया था और पिताजी के प्राण पखेरु उड़ रहे थे, तब वो कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, कुछ कहना तो चाह रहे थे, बड़े अश्लील से इशारे कर रहे थे। पागल हो गई क्या? वो अश्लील इशारे ना, वो ये कहना चाह रहे थे कि मैंने जो है इस मकान में कहीं पे खजाना काट रखा है। हाँ तू बताया उन्होंने? अरे कहाँ बताया, उससे पहले ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अरे तो आप पूछ लेते ना। मैं बहुत पूछ रहा था। मैं इतना पूछ रहा था, मतलब मैंने उनके पैर पकड़ लिए सपने में। ले बोले ऐसे ना बताऊंगा, जब तेरे घर में जन्म लूंगा तब बताऊंगा। अच्छा, पर सवाल ये उठता है कि वो किसकी कोख से जन्म लेंगे? यहाँ मत देखो, यहाँ दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। तो कहाँ पे देखूं? मेरी कोख से तो जन्म लेने वाले हैं ना वो। क्यों रो रही है? तो कहीं इलायची तो नहीं? पागल हो गई क्या? अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है, कह रही है उसकी, तो दिमाग से काम लिया कर, इलायची का नाम ले रही है कार्य में। तो फिर किसकी कोख से जन्म लेने वाले हैं? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से जन्म लेंगे। लाइफ में टंटे और रखे कहीं आसमान से तो ना टपकेंगे। गर्मा गर्म भगभगा दी चाय पी ले। शाबाश। अरे यार की तेरे क्या बात है। क्या देख रहे बे? भाई आलू प्याज टमाटर सब खत्म हो रखा है। इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? मैं अभी 3 दिन पहले 1-1 किलो सारी सब्जियां लेकर आया था, तू इतनी जल्दी डकार गया? अबे साले अकेले मैं डकार गया, तू नहीं खाता है? अबे तेरी तरह होश नहीं हूं, तमीज से खाता हूं, समझा? तू तो खाता ही नहीं, तू तो सुनता है। देख बेटा एक बात कान खोल के सुन ले, ये 1000 रुपए लिए तो कुछ ना होने वाला। अबे मुश्किल से 10 दिन कटेंगे, फिर तो रोजे रखने पड़ेंगे। तो करूं क्या? अबे करना क्या, जाके से धीरे बोल चुड़ैल, कहीं पे भी शुरू हो जाती है, धीरे बोल। अबे करना क्या, जाके सेठ जी को बोल बढ़वा अपनी तनख्वाह। अबे तू रेगिस्तान से ना पानी निकालने की बात कर रहा है? अगर ये टॉपिक सेठ जी के सामने छेड़ भी दिया ना, तो इस छत से भी हाथ धो बैठेंगे, हम बता रहा हूँ मैं। अब नहीं छेड़ेगा तो इस दुनिया से हाथ धो बैठेंगे। क्या है? मेरे पास एक आइडिया आ रहा है। कैसा आइडिया? हमारी गली में जो चमन ब्रास बैंड है ना, है तो वहां पे सिंगर चाहिए। तो तू वहां पे सिंगर बन जा भाई। एक बारात के 500 से 1000 रुपए आएंगे कम से कम, और अगर तू औरत बन के गाएगा ना भाई, चांदी पैसों की बारिश होगी भाई। साले जी अपना वाहियात आइडिया अपने पास रख, अगर सेठ जी को पता चला ना कि मैं बैंड में गाती हूँ, मतलब गाता हूँ, तो तेरा बैंड बजा देंगे, तेरे मुंह पे लाने तक तमाचे मार मार के साले हम दोनों घर से बाहर निकाल देंगे। क्या बात कर रहा है यार? हिंदी में एक बात बता, तुझे पता दिल्ली की बरातों में कितनी बदतमीजी होती है? बेटा अगर मैं बारात में लेडी सिंगर बन के गाऊंगा ना, तो छिछोरे बराती हमें दबोच लेंगे, और फिर पता नहीं यार कहाँ टच करेंगे। भाई तो तुझे क्या फर्क पड़ता है यार, करने देना टच, कोई बात नहीं, तू कौन सा औरत है, तू तो आदमी है। जीजाजी छत पर है? अबे आ गई। गुड मॉर्निंग जीजाजी। प्रणाम इलायची जी। प्रणाम प्रणाम। 4 घंटे बाद किसी और के घर पे दोबारा आके आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत मजा आ रहा है। जीजाजी, क्या जीजाजी छत पे हैं? नहीं, जीजाजी बाहर गए हैं।
बताइए कुछ काम था? नहीं मुझे जीजा जी से कुछ काम नहीं है, मुझे भाभी से बात करनी है, जरा बुला दीजिए उन्हें। अबे आप, मेरा मतलब है बुबू, इलायची जी आपसे मिलना चाहती हैं। मैं जरा उनको आपके पास भेजता हूँ जी। आप ये चाय और बिस्किट जरूर खाएं। जी जी। आपका ही घर है ना? बिल्कुल जरूर। चलिए मिलते हैं। जीजा जी तो पीछे से भी बड़े क्यूट लगते हैं। जी इलायची जी कहिए। भाभी। हाँ जी। मुझे ना आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। जी। और बात ना आपके फायदे की है। जी फायदे की है तो जरूर कहिए। देखो भाभी मुझे पता है ये 1000 रुपए में आपका और जीजा जी का कुछ चल नहीं पाता है, भला नहीं होता। नहीं हाँ जी बात तो सही कह रही हैं आप, 1000 रुपए में कुछ भला नहीं होता जी। देखो मेरे पास एक आइडिया है, ध्यान से सुनना, जैसा मैं कहूंगी वैसा करोगी ना तो सब सेट हो जाएगा। जी करेंगे करेंगे। दला कान लाओ। जी इलायची जी क्या बात कर रही है, अगर सबको पता चल गया ना तो सेठ जी हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं होने वाला है। मैं हूँ ना। और वो? वो कौन? आपके जीजा जी। जीजा जी उन्हें भी बता देंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में बताएंगे। और वो भी हमारा साथ देंगे। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हा क्या बात थी फिल्म की है, नाम तेरे गंगा मैली, अच्छी चली उस टाइम पे, बहुत अच्छी चली पिक्चर जी। अरे सेठ जी ये फिल्म देख के तो मुझे मंदाकिनी से प्यार हो गया था। अच्छा वैसे अच्छा रोल निभाया इसने मंदाकिनी ने। अरे तुम रोल निभाने की बात कर रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूँ ऐसा रोल आज तक कोई भी हीरो ने ना निभाया। तुम बताओ सेठ जी ऐसी कौन सी हीरोइन है जो पहाड़ों की इतनी ठंड में भी सिर्फ कोहरे की चादर लपेट के घंटों झरनों के नीचे बैठ के नहा ले। घंटे भी गिन लिया तूने। अरे तो दो गई बनान तो दो। हाँ बना। अच्छा एक बात था छोटे। हाँ तू पिछले जन्म में विश्वास रखता है? हाँ पिछले जन्म में रखता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरा भी ये पुनर्जन्म है। अच्छा तो बता पिछले जन्म में क्या हो रखा था तू? सेठ जी ये वाला मुहासा फोड़। अरे मत फोड़ बता ना कौन क्या हो रखा था बता दो। तुम किसी को बताओगे तो नहीं? अरे कौन सा संसद के शीतकालीन सत्र में ये मुद्दा उठाने वाला हो, पूछ रहा है सरकार की बात कर रहा है, बता दो क्या था बोल तो। औरत था। मुझे पहले ही शक था कि तू औरत था। अभी काय को कर रहे हो, अभी तो मर्द हूँ। ये बताओ सेठ जी तुम इतना पुनर्जन्म के बारे में काय पूछ रहे हो? अरे इसलिए पूछ रहा हूँ छोटे कि कल रात ना पिताजी आए सपने में। अच्छा हाँ वो कह रहे कि मतलब दोबारा आने वाले हैं और वो भी मेरे घर में आने वाले हैं। अच्छा मतलब सेठानी उम्मीद से है। अरे ऐसी ना उम्मीद औरत से मैं ना कोई उम्मीद रखता हूँ। तो फिर किससे उम्मीद रखूं, चांदनी भाभी से? अरे क्या फायदा छोटे, जहाँ उम्मीद है उसकी वहाँ नहीं मिलता है ये। तो फिर तुम्हारे पिताजी कहाँ से आएंगे, पेड़ से चुहेंगे क्या? पता ना कहीं से तो चुहेंगे, देखे कह रहे आने वाला हूँ मैं। कैसे दिखते थे पिताजी तुम्हारे? कैसे दिखते थे? बात कर रहा है तू है? चांदी चौक में पूजे जाते थे वो, और संस्कारी थे एकदम। तुझे पता एक बात, अम्मा के रोज पैर छूते थे वो। कट गया यार छोटे क्या कर रहा है। अरे रुक जा तुमने बात ही ऐसी कर दी, अम्मा के पैर छूते थे मेरा हाथ रे पड़ गया। रुक जा फिटकरी लगा दे, फिटकरी लगा दे रे। खून ही निकला। गलत थोड़ा ही कह रहा हूँ, अम्मा को जो है घर की लक्ष्मी मानते थे इसलिए पैर छूते थे, रोज सुबह उठते ही पैर छू लेते थे उनके। और इलायची कैसी है? यार तेरे अलग राग है, मोबाइल खेल लिया है। नहीं बैठा रहता है पूरा दिन जी। सेठ जी नमस्ते। एक मिनट। नमस्ते भाभी नमस्ते। शेव बना दूं?
अरे कैसी बातें कर रहा है तू, एक औरत की शेप बनाएगा? ना ना, मैं तो हाथ की शेप की बात कर रहा हूँ। ना जी, मुझे नहीं करवानी। दूध जलेबी खा लो, मंगवा दूँ? नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। कचौड़ी खा लो। अरे जब वो नहीं खाना चाह रही क्यों पीछे पड़ रहा है उनके? दूध जलेबी खा लो, कचौड़ी खा लो। हाँ बताओ क्या बात है। सेठ जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी अकेले में। ना छोड़े, दीक्षित की दुकान पे जाके कुछ कचौड़ी वचौड़ी खा ले जा। ना ना, मुझे चुकरियां थी, डकारे आ रही, मैंने सुबह खा ली थी। क्या रहे हो, जा ना, बात कर रहा है, डकार जा रही है। हाँ जा रही हूँ, भूख के आता हूँ अभी। हाँ भूख गया जाके। ओ बन्नो। हाँ बताइए। सेठ जी, हम ये कह रहे हैं कि आप ना हमारे उनकी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। तनख्वाह क्यों बढ़ा दूँ उनकी? वो क्या है ना जी, अब हम 2 से 3 होने वाले हैं। मतलब? जी मैं माँ बनने वाली हूँ। ये लड़की माँ बनने वाली है और मेरे ही घर में रहती है, इसका मतलब बाबूजी इसकी कोख से आने वाले हैं। अच्छा अच्छा